वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू गाइस, वेलकम इन अदर वीडियो ऑफ एमएस बायोलॉजी। होपफुली कि आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशंस भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जब से डीबीटी जेआरएफ का एग्ज़ाम हुआ है 13 मई से, तब से बच्चों के दिमाग में रिजल्ट्स को लेकर के और कट ऑफ को लेकर के काफ़ी सारे क्यूरियोसिटी बनी हुई है। और अभी आप लोगों का रिस्पॉन्स शीट भी डीबीटी जेआरएफ ने दे दिया है और होपफुली कि आप लोगों ने अपने अपने आंसर की से अपने अपने रिस्पॉन्स शीट को मैच करा लिया होगा और देख लिया होगा कि आप लोगों के कितने मार्क्स आ रहे हैं। राइट, मार्क्स को चेक करने के बाद अगला सवाल आता है कि कट ऑफ क्या जाने वाली है और आपके जो मार्क्स आ रहे हैं क्या आप उस मार्क्स पे क्वालिफाई होने वाले हैं कि नहीं होने वाले हैं। सो आज की इस वीडियो में हम लोग उसी टॉपिक की बात करेंगे कि डीबीटी जेआरएफ का पिछले 2-3 सालों का क्या क्राइटेरिया रहा है, कितने कट ऑफ गए हुए हैं मार्क्स और इस बार का क्या रहेगा, इन सारी चीज़ों पर क्या करेंगे हम लोग बात करेंगे। सो बेसिकली पहले आप जान लीजिए कि डीबीटी जो जेआरएफ होता है वो 2 कैटेगरी में आपका रिजल्ट निकालता है। एक तो आपका उसको कैटेगरी 1 बोलते हैं, कैटेगरी 1, और एक होता है कैटेगरी 2। जो टॉप के स्टार्टिंग के हाईएस्ट जो 250 मार्क्स 250 जो कैंडिडेट्स होते हैं जिनको कि जेआरएफ के नाम से दिया जाता है, कैटेगरी 1 में आते हैं, इनको फेलोशिप मिलती है। राइट, और बाकी जो इनसे नीचे वाले होते हैं, मतलब जिनके मार्क्स इन 250 कैंडिडेट से कम होते हैं, जो कि कैटेगरी 2 में रखा जाता है, उस कैटेगरी 2 में आपको कोई फेलोशिप नहीं मिलती है। बट आप उस सर्टिफिकेट को लेकर के कहीं पे भी प्रोजेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं और किसी भी इंस्टीट्यूट्स में जाकर के आप अपना रिसर्च का काम कर सकते हैं, बट उससे कोई आपको फेलोशिप नहीं मिलती है। तो जेआरएफ डीबीटी का जो एग्ज़ाम है वो 2 कैटेगरी में 2 सर्टिफिकेट आपको देता है, कैटेगरी 1 का, कैटेगरी 2 का। तो जो कैटेगरी 1 के कैंडिडेट्स होते हैं उनको फेलोशिप मिलती है, उनको डीबीटी जेआरएफ के नाम से जाना जाता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप और डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी के नाम से, और उनकी संख्या 250 ही सिर्फ होती है। तो ये कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि हाईएस्ट जो मार्क्स स्कोरर होते हैं वो कैटेगरी 1 में आते हैं, उनके बाद वाले जो कम मार्क्स वाले होते हैं कैटेगरी 2 में आते हैं। तो आपको देखना होगा कि आपका रिजल्ट किस में आता है और कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 के लिए क्या अलग अलग से कट ऑफ मार्क्स होते हैं। कट ऑफ मार्क्स का मतलब ये होता है कि वो मिनिमम मार्क्स जहाँ से आप कंसिडर किए जाते हैं, उससे नीचे अगर आपका मार्क्स होगा तो आप क्वालिफाई कैटेगरी में नहीं आते हैं। सो देखते हैं बेसिकली क्या क्या आपका यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स का क्राइटेरिया है। इस साल जो आपका पेपर हुआ है उसके लिए अप्रॉक्सीमेट जो अभी 2023 में आपके जो एग्ज़ाम्स हुए हैं 13 मई को, इस वाले पेपर के लिए जो पॉसिबल कट ऑफ दिया जा रहा है वो कुछ इस तरीके से है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जनरल कैटेगरी में अगर आपका 181 के मार्क्स अगर के आसपास अगर आता है तो लगभग आप कट ऑफ में रहेंगे कैटेगरी 1 के लिए। 171 अगर आता है तो आप कट ऑफ 2 के लिए रहेंगे। और EWS मीन्स इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस वाले के लिए 175 रहेगा और 163 रहेगा। OBC कैटेगरी वालों के लिए 162 रहेगा कट ऑफ 1 कैटेगरी के लिए और 153 के आसपास रहेगा आपका कट ऑफ 2 के लिए। SC ST और बाकी कैंडिडेट्स के लिए जो मार्क्स हैं कुछ इस तरीके से हैं, 144, 144, 144, 148 इस तरीके से। ये इस बार का 2023 का जो एक अप्रॉक्स आइडिया है कि इस तरीके का जो पेपर कट ऑफ जो होती है कई चीज़ों पर डिपेंड करता है, पेपर के टफनेस पे, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो इन्वॉल्व हुए उनके बेसिस पे, और जो क्वेश्चंस पूछे गए इनके स्टैंडर्ड के बेसिस पे कितना मार्क्स स्कोर हो रहा है। तो उसके बेसिस पे ये आइडिया लगाया गया कि जिन किसी भी कैंडिडेट्स के मार्क्स अगर 180 प्लस आते हैं, मतलब अगर आपके मार्क्स 190, 200 या इस तरीके से अगर आते हैं, तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं कैटेगरी 1 के लिए। मतलब कि आपको JRF का मीन्स DBT JRF का फेलोशिप मिल सकता है अगर आप बिलोंग करते हैं जनरल कैटेगरी से। तो अगर EWS और OBC वालों की बात करें तो अगर उनके 180 प्लस अगर मार्क्स रहेंगे तो श्योर वाली बात हो जाती है कि हाँ आपको वहाँ पे JRF का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर का जो डेटा है 2018 का वो कुछ इस तरीके से है, जनरल कैटेगरी वालों के लिए 141 गई हुई थी और कैटेगरी 1 के लिए, और कैटेगरी 2 के लिए 135 एंड 110, OBC के लिए 102। तो पिछली बार के कंपेरिजन में इस बार आपका मार्क्स थोड़ा ज़्यादा रहेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि इस बार का जो पेपर रहा था तो वो ऑन एन एवरेज रहा था। कई सारे स्टूडेंट से बात करके पता चला कि हाँ पेपर का स्टैंडर्ड जो था बहुत टफ नहीं था, मतलब बहुत ईजी नहीं था लेकिन बहुत टफ भी नहीं था, तो इसी वजह से यहाँ पर लगभग 40 मार्क्स का क्या आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा था। तो 2018 का जो पेपर था उसमें 141 मार्क्स आपके आए हुए हैं कट ऑफ के लिए। 2017 का जो कट ऑफ गया था वो 160 और 150 के आसपास है, मतलब 1 कैटेगरी जनरल कैटेगरी वालों के लिए पहला जो आपका है वो 160 है और कैटेगरी 2 के लिए क्या है 152 है, तो और OBC वालों के लिए 122 है, 114 है। तो इस तरीके से कट ऑफ मार्क्स हैं। तो जितने भी कैंडिडेट्स बेसिकली DBT JRF का फॉर्म फिल किए थे और एग्ज़ाम दिए हैं, और अगर आप लोगों ने अपना अपना आंसर की मैच करा लिया है, तो उस आंसर की से मैच कराने के बाद अगर आपके मार्क्स आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपका अगर 185 प्लस में अगर आता है तो आप अपने आप को उस कैटेगरी में रख सकते हैं कि आपका कैटेगरी 1 का सर्टिफिकेट मिलेगा, मतलब आप DBT JRF हो सकते हैं। और इस तरीके से ही अगर आपके 170 प्लस 5 में हैं, मतलब कि प्लस में हैं, तो आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका भी JRF हो सकता है।
ये एक सिर्फ पेपर और बच्चों से बात करने के बेसिस पे दिया गया आइडिया है। इस बात का इस वीडियो से दावा नहीं किया जाता कि एग्जैक्टली यही आपके मार्क्स नंबर आएंगे। इस बात का ध्यान रखें, आपको सिर्फ एक आइडिया है कितने तक पटापापी जा सकती है, राइट। एग्जैक्ट रिजल्ट क्या होगा ये DBT जब रिलीज करेगा तभी पता चलेगा, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। बट अगर आप इतने मार्क्स स्कोर करते हैं तो डेफिनेटली आप उसमें अपने आप को कंसिडर कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अच्छे से अपने स्टडी फोकस करते रहिए, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।